इंतजार किया बज के चार शुरू किया इनके लाभ इनके खिलाफ अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार झाड़ू को छोड़ क्यों करें हम साफ पर्दा उठा देख मेरी आँख जलन से नहीं जलती ये आग मुट्ठी बंद रख सर में ठंड रख अब दिखाऊं जन्नत का रक्षक भटकता रहा जैसे नदी संस्कार कोई फेंकता है पैसा कोई लेता उधार अंत में तो सबका हुआ दाह संस्कार और अंत में तो सब गए दाऊद बाजार। हाँ भाई किसकी बढ़िया सब वाउज ब्रोज वेलकम टू अनदर स्ट्रीमर चौकीदार। एक तो इतनी बार बोलता हूँ ना दिन में यार वर्ड कंफ्यूज कर जाता हूँ यार बोर्ड पलट दिया ना हाँ पलट दिया नहीं तो अभी बोलते हैं तो कंटेंट चौकीदार लीक हो गया तेरा। ओके भाई ठीक है नाइस नाइस ओके सो इस स्ट्रीम के दौरान मुझ पे काफ़ी आंखें होंगी मुझे पता है बहुत बाहर से लोग आए क्योंकि आज तो तुमको क्या कहते हैं देखना नहीं होगा ना वो सब क्या कहते हैं GTA 5 RP हॉरर स्टोरी गेम्स विद बड़े बड़े दिग्गज क्या कहते हैं क्रिटिकली अक्लेम्ड स्ट्रीमर्स क्या ही बोलूँ पावर्ड विद इंटेल AMD वन प्लस सब गायब हो गए बट छपरी को देखने सब आएंगे आज की आज क्योंकि दिस इज अ स्पेशल एपिसोड दिस इज स्ट्रीमर चौकीदार एपिसोड नंबर 3 मतलब 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो प्राइवेट हो चुके हैं ऑलरेडी राका और गोटा भाई और तीसरा मैंने बनाया था बट वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इन्फॉर्मेशन अब अपडेट होगी एक एक्सटेंडेड वर्जन है उसी का तो एपिसोड 304 तो टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ई गवार इंडिया सो लेट्स स्टार्ट दिस स्ट्रीम। झोली में क्या क्या है नाइस यार इंग्लैंडो ठीक है भाई नाइस कितने का मसाला आज जितनी तुमने इतना मसाला ना आज की स्ट्रीम में तुम लोग कहोगे क्या हमें ये सब भी नहीं पता था। ओके सो वेयर टू बिगिन विद वेयर डू आई इवन बिगिन विद सो एक चीज़ मेरे को लास्ट टाइम से समझ आई कि भैंचोद ये बोर्ड काम नहीं करता ये बहुत जगह घेरता है तो इसका अपडेटेड वर्जन मार्केट में आया है जिसका नाम है फोटोशॉप एक्चुअली फोटोशॉप कहते हैं इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं तो मेरे को एक अपडेटेड वर्जन पता चला है तो सॉरी तौबा ये क्या स्ट्रीमर है उसको इतना भी नहीं पता नाइस स्क्रिप्टेड अरे भूसड़ी खाली है बोर्ड का स्क्रिप्टेड अच्छा गाने आने बंद करो ये टट्टी की वीडियो देख रहा था मैं छोड़ो इसे हाँ तो टट्टी की वीडियो क्यों ना हम टट्टी की वीडियो देखने से शुरू करते हैं आओ लेट्स वॉच टट्टी टुगेदर व्हाई नॉट आओ बिकॉज जो न्यूज कवर करनी है मुझे वो इसने दे दी है आओ तो की हाल चाल सत श्रीकाल मैं हूं हाँ तू नहीं है किसी का अपना किसी का नहीं है तू आगे बढ़ 2016 में जैसा कैरी मिनाटी रोस्ट वीडियो 80 के ऑल्सो वी हिट 80 के थैंक यू उसके लिए उसकी बधाइयां आखिरी में दी जाएंगी लेकिन अभी मेन टॉपिक मुकेश तुम अब बदल क्यों गए हो इसका जवाब नियॉन मैन बताएगा आओ यूट्यूबर्स को ऐसा सुनने को मिलता होगा तो इस चीज के बारे में बात करते हुए वो ये ट्वीट किए दिस हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर अ व्हाइल दिस इज अरे ये टट्टी नहीं देखनी मुझे ये ट्वीट मैं भी देख चुका हूँ अगर तुमने ट्वीट देखे तो ठीक है नहीं तो अभी मैं तुमको दिखा देता हूँ किसी ने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है क्या मेरे रेडिट पे होगी जरूर मेरे पास सेव्ड नहीं है बिकॉज ये स्क्रिप्टेड नहीं है सब लोग सब चुप बैन डोंकी डैंक आओ अबे यार ये रेडिट पे क्या क्या डालते रहते तुम लोग चूती हो अरे कहाँ है उसकी स्टोरी है क्या किसी पे अभी एक दो दिन पहले वाली कल वाली स्टोरी दिखाओ हाँ इसी में यस बट आई हेट हिज कंपनी अरे यार टंग 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 डंग डंग अगर तुमने ये स्टोरी देखी हो तो तुमको पता होगा कैरी ने अभी रिसेंटली एक स्टोरी डाली थी एक विशेष सूचना मैं EGI के साथ नहीं हूँ ये जो टट्टी मचाते हैं इसमें मैं नहीं था ये कुछ हुआ है बीच में जिसकी वजह से मैं इससे अपना नाम हटा रहा हूँ ये सब नहीं लिखा बट ये असली चीज़ है जो इसका मतलब था जो मैं तुमको बता रहा हूँ तो अब लोग कहेंगे यार डेंगरी जो तू हमसे झूठ बोलता रही हो भाई हमेशा यार वो तो EGI में था भी नहीं तू भाई नाइस ठीक है ओके तो हम गूगल की हेल्प लेते हैं क्योंकि गूगल को सब पता होता है लेट्स गो टू गूगल एक्चुअली सो CEO of Ebullient Gaming India. Who is it? कौन हो सकता है No, कैरी मिनाटी नहीं है इतना शौक मत हो तुरंत नहीं आएगा So, this guy is the CEO of Ebullient Gaming India. Okay, तो अब इससे प्रूफ क्या होता है रिशु यार कैरी का नाम नहीं आया ना कटा दी बाबू जी अरे रुको ना इस बंदे को जानते हो तुम नहीं मैं नहीं जानता आओ देखते हैं आओ 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 एओ आओ ओआ ओआ ओ वाओ ओ शिट ओप्सी
उपसी डूपसी भाई, माँ का तो पता ही नहीं भाई, ये लोग यार मैगजीन मैगजीन में आ रखे हैं यार, सीईओ ऑफ इबुलेंट गेमिंग इंडिया कैरी के साथ मिलियनेयर है। हो व्हाट, हमें तो पता ही नहीं था। ओ शिट, अच्छा ऐसा कुछ, अच्छा टॉम क्रूज से भी मिला दिया कैरी ने इसको। ओ शिट, अरे मैं इसके घर भी गया हुआ हूँ एक्चुअली। लेट्स गो बैक टू 2016। रुको, अभी अगर तुमको लग रहा है कि ये मसाला है, ट्रस्ट मी वी हैवंट इवन स्टार्टेड येट। ओके, तो 2016 में चलते हैं। नहीं, वो टट्टी सी कहानी नहीं सुना रहा हूँ मिनाटी इधर की, मैंने नया यूट्यूब स्टार्ट किया था कैरी कॉपी रख के। नो, एफएफ बाद में करना, ये स्ट्रीम पता नहीं कितने न्यूज़ चैनल पे जाने वाली है, बट ठीक है। ओके, बाद में बात करेंगे वो सब, मेरे को याद दिलाना तुम लास्ट में। ओके, तो 2016 में चलते हैं, वी आर गोइंग टू 2016। मैं अपनी टट्टी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम लोगों को एक जोक याद दिलाना चाहता हूँ। अगर तुम लोग व्हाट्सएप वगैरह जब फेमस होना स्टार्ट हुआ था मेन स्ट्रीम में, तो वो 2016 का साल था। तो 2016 में तुम लोगों को याद होगा एक जोक आया था व्हाट्सएप पे, अगर तुम लोगों ने सुना हो तो। जोक नहीं, बेसिकली बहन जो सैटायरिकल क्या कहते हैं वो कुछ था, मेरे को थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा याद है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि वो चीज़ क्या थी। तो व्हाट्सएप पे एक जोक आया करता था, इफ़ यू रिमेंबर, कि एक बंदा मोदी के पास जाता है एंड मोदी से कहता है कि मैं बिल गेट्स की बेटी से, बेटी का वो हूँ, क्या कहते हैं, बेटी का पति हूँ, क्या मेरे से दोस्ती करोगे? तो मोदी हाँ कह देता है। फिर वो बिल गेट्स के पास जाता है और कहता है कि मैं मोदी का दोस्त हूँ, क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ? तो वो अपनी बेटी का हाथ दे देता है। तो दोनों साइड से मतलब बात सेट हो जाती है। तो अब इसका इन रियल लाइफ एप्लीकेशन मैं तुम लोगों को बताता हूँ। व्हाट गूगल सेड, सीईओ ऑफ ईजीआई इज दिस गाय। ओके, दिस गाय इज सीईओ ऑफ ईजीआई। अब इसने क्या किया, ही अप्रोच कैरी मिनाटी जब वो फेमस होने लगा। अब कैरी मिनाटी जब इसके साथ मिल गया, मतलब इसके साथ काम करने लग गया, तो हुआ क्या कि ही एक्सपेंडेड हिज ब्रांचेस टू मोर कैंसर्स। मतलब ये कैंसर नहीं है लौंडा, ये बढ़िया लौंडा है, लाइक डायनेमो और सॉग बगर और अगलेंटे, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं मेन स्ट्रीम क्या मतलब, मैं तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि ये लौंडा ईजीआई में था कैरी मिनाटी, और रिसेंटली कुछ कांड हुआ जिसकी वजह से अपना नाम विड्रॉ कर रहा है, तो लेट्स गो टू ईजीआई। वाई, तुम लोगों ने ये सब तो देख लिया है, आओ ईजीआई पे चलते हैं, वाई नॉट। ओके, ईजीआई, ओके, डायनेमो, ये सब हगलैंडे आ गए हैं अब इनकी टीम में। नो कैरी तुमको कहीं नहीं दिखने वाला, ना तन्मय भट्ट, ये सब दिख जाएंगे। नो कैरी मिनाटी एक भी निशान नहीं है, बस ये न्यूज है टट्टी सी आखिरी तक, नो कैरी मिनाटी। बट इबुलेंट गेमिंग इंडिया फेसबुक पेज पे हमको क्या मिलता है? ओश, और ऑफिशियल पेज, आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप, इन्होंने यहां से हटाना भूल गए, ये सब पड़ा हुआ है यहाँ पे। नाइस भाई, क्या ही बोलूँ अब इन लोगों को, कहाँ कहाँ से निटालोगे सबूत तुम लोग, क्या एफ 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 एफ। अरे यार मैं क्या ही बोलूँ, इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है कोई कंपनी के साथ, ब्यूटी चूत। तो हुआ क्या, इसने क्या किया बंदे ने, कि कैरी मिनाटी जब इसके बिजनेस में आ गया, तो हुआ क्या, इसने ब्रांचेस एक्सपेंड करके और लॉन्डो को लिया, डायनेमो, न्यूनमेंट्स और अगलैंड, कि मैं कैरी मिनाटी के साथ काम करता हूँ। और फिर हुआ क्या कि रीसेंट टाइम्स में कैरी मिनाटी ने इससे रिश्ता तोड़ दिया। बट हुआ क्या कि ये ऑलरेडी मोदी का दोस्त था, तो बिल गेट्स की बेटियां इसे मिल गई, यू गेट दैट शिट। अब इसके पास मोदी का साथ नहीं भी है, तो इसके पास बिल गेट्स की बेटी आ चुकी है, जो कि अभी करंट सीन है। इसके पास सारे हगलैंड ने सिवाय कैरी मिनाटी के, और कुछ कांड की वजह से कैरी मिनाटी ने इसने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, और ऐसे दिखा रहा है कि वो ईजीआई का पार्ट कभी था ही नहीं, क्योंकि स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम कभी हो ही नहीं सकती ईजीआई चैनल पे, पहले से कैरी मिनाटी को थोड़ा उठा के लाएगा ये बंदा। और गूगल थोड़ी झूठ बोलेगा, ये सीईओ है यार, ये टॉम क्रूज से मिला के लाया कैरी, ऐसी किसी को मिला के ले आएगा क्या? और इफ यू वांट मोर सबूत्स, आई हैव मोर फॉर यू, डोंट मसाला और ना खत्म कैसे, नहीं हम रहते घर को। ओके, लेट्स यूट्यूब दिस मैनस नेम। ओके, कौन है ये, कौन बंदा है ये? ओह, व्हाट इट्स लाइक मैनेजिंग कैरी मिनाटी, क्योंकि ओके मैं चुप, यही बोलेगा। I think the toughest one would be, I guess, Aman the PewDiePie. Nah, ye nahi sunna. Hi, I am Anirudh Nagpal. I'm the channel and business head of Kari Minati. I'm Aman Garg. I'm the VP of content and strategy at Kari Minati. Okay. Kari Minati ke managers, eBullet Gaming India ke CEO hain, aur Kari Minati EGI mein nahi tha kabhi. Nice. So much.
मैं इस घर में रहता हूँ लेकिन मैं वो अंदर मम्मी मेरी नहीं है ना, मेरे पापा मेरे हैं, नहीं नहीं उन्होंने जन्म भी नहीं दिया मेरे को, नहीं ना ऐसे कैसे हो सकते, नहीं हम रहते कहाँ हैं। अबे एफ तुम खत्म ही नहीं कर पाओगे, मेरे पास इतनी हिपोक्रेसी है ना आज की स्ट्रीम पे, शिव शिव तौबा तौबा, जिस वर्ग की माँ चूद रहे हैं, where do I even begin, मैं कहाँ से शुरू करूँ यार, मेरे पास इतनी वो चेंज बन चुकी है ना दुनिया में, मैं कहाँ कहाँ किस किस को प्रूफ करता फिरूँ। My attempt to let it out without trying to offend anyone. A few people saying I have changed. It's very simple. As you अरे ये पढ़ेगा चूतिया, मैं ट्विटर पे ही चले जाता हूँ, इससे बढ़िया ये पढ़ने ही वाला तो मैं ही पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए, इससे बढ़िया रीडिंग ही लगा दूंगा, ये चूती को ईगोटिस्टिकल भी पढ़ना नहीं आ रहा, ईगोटेस्टिकल पढ़ता है उसे। I have not... अबे टट्टी कहाँ बोला तूने ईगोटेस्टिकल? कहाँ बोला? Saying this to people don't understand. I'll come across as an arrogant, egotistical. Egotistical. Testicle तू है नहीं, मैं हर जगह अपनी बात मत लाया कर, मैं बता रहा हूँ testicle तू है, you are the testicle, okay? ये left वाला तू है, right वाला गरीब है, stop it, get some help. Egotistical बोलते हैं उसको चूती के बच्चे, आज पूरा रोस्ट कर दूंगा मैं, जैसे चिड़िया के गू के रंग बाल करवाने से कोई टिकटॉकर एक्टर नहीं बनता ना, वैसे ये ट्विटर की ट्वीट्स रीड करने से कोई न्यूज वाला नहीं बनता। खैर इस बारे में मैं आगे बात करूंगा करूंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, एफ 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 स्पिटिंग फैक्ट्स। कितने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है तुम लोगों के बताओ, किन ये स्ट्रीम नहीं हट रही है मेरे चैनल से, कौन स्ट्राइक देगा मेरे को, कोई भी नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, ये स्ट्रीम रहेगी, इसकी कॉपियाँ उठाओ बनाओ जाओ बेचो मार्केट में, मेरे को 3 महीने के लिए लाइव स्ट्रीम करने को ना मिले चलेगा, ये बात बाहर आनी चाहिए बहनचोद। अब दिखाना टट्टे बैठा होगा ये स्क्रीनशॉट लेने में तो तेरी मम्मी नहीं मरती ना, इसका इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ और दिखा अपने चैनल पे, आगे अपने बाप को बचा रहा है। ओ वेट, अनिरुद्ध वाला सेगमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, इस वीडियो में मेरे को एक और सोर्स मिल गया है पर डिस्कशन। आओ आओ, तुम लोगों को लगता है अनिरुद्ध की बातें सिर्फ ऑफ स्टेज चलती हैं, आओ देखते हैं ऑन स्टेज, ऑन स्टेज आज की वीडियो, ये कहीं पुरानी वीडियो नहीं है, आज ही पब्लिश वीडियो है, एंड आओ सुनते हैं एक साथ रिकॉर्डिंग, बता रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन वहां से जाके आप सुन सकते हैं। मैं तो अनिरुद्ध भाई को मुंह पे बोला, मैंने तो अनिरुद्ध भाई को मुंह पे बोला, दिमाग फूट जाएगा, मैं आप मेरे बाप की नहीं सुनता, आपको मैं अपने बाप की नहीं सुनता आपकी क्यों सुनूंगा। ओके मैं नहीं हूँ ये आज की वीडियो और उसमें है ये सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, ये सब चीन खुद से बनती जा रही है, मैं खुद भी कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारे सामने है। सो इससे क्या साबित होता है, लेट्स गो अगेन बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, आओ ये खत्म नहीं होने वाला खेल, ये अभी चालू है, आओ आओ लेट्स गो, आओ 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 वाह। अरे यार ये मेरा फेसबुक पे बैड की चूत भर रखता है पूरे फेसबुक पे मेरे, बैड की चूत, आओ 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 लेट्स गो। वीडियोस, आई वांट टू सी द वीडियोस, कहाँ कैरीज लाइफ की क्यों दिख रही है, और भी तो थी, कहाँ आओ स्क्रॉल डाउन करेंगे, तब तक मैं एफ पढ़ूंगा तुम्हारे, हाँ एफ बढ़िया है, दिस इज इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी माई फ्रेंड वी हैवंट इवन स्टार्टेड, लेट्स गो टू द बिगिनिंग, ट्रस्ट मी, ये तो अब तो टट्टी है, ये सब तो क्या कहते हैं टट्टी के ऊपर वो कवरिंग कर रखी है, क्या कहते हैं चोको चिप्स वगैरह लगा रखी है टट्टी के ऊपर ताकि ढक जाए वो, टट्टी ना लगे केक लगे, बट नीचे टट्टी है, नीचे टट्टी है समझो, ये इससे तुम डाइवर्ट मत हो ये सब। ओके हु द फक केयर्स, हु इन देयर राइट माइंड रीड दिस शिट, ओके वी हैव रीच द एंड, ओके व्हाट द फक इज दिस, तुमको उसके नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती, एक एफ कम होता है मेरे प्यारे गरीब भग, अरे वाह कुणाल सारा इतना गंदा मुंह है क्या तुम्हारा, छुपाना पड़ता है, इतनी टट्टी शक्ल है क्या, नाइस कोई नहीं आओ घर आ जाओ वेबकैम दे देंगे, अच्छा खरीद लिया तब भी वीडियो नहीं आती, सैड क्या ही बोलूँ, इतना गंदा मुंह है, सैड यार इतना गंदा मुंह है भाई इसका तो यार, सैड भाई। ओके तो इससे क्या साबित होता है कि सीईओ जो है वो ही कैरी का मैनेजर था और कैरी मिनाटी भी इसमें इन्वॉल्व था, ओके वी हैवंट, हम नीचे नहीं गए, ओके यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी, ये सब टट्टे तब जुड़े हैं इनके साथ जब कैरी मिनाटी ऑलरेडी इनकी टीम में था, ये सब एक थाली के ग्लैंड हैं, सब जुड़े हुए हैं इस कंपनी से, बिकॉज मोदी की बेटी का, मोदी क्यों, बिल गेट्स की बेटी इसीलिए आई क्योंकि मोदी से दोस्ती थी, यू गेट दैट शिट, ओके आई डोंट नो इसके आगे फर्दर मेरे को क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है, लेट्स गो टू द वेबसाइट एक्चुअली, लेट्स गो, हाँ 8 मिलियन डेली ऑडियंस, ये ऑडियंस कहाँ से आ रही है जब डायनेमो भी नहीं है, कोई भी इनकी टट्टी कंपनी के साथ है नहीं है, 8 मिलियन ऑडियंस कहाँ से आ रही है,
क्योंकि इसमें कैरी मिनार्टी भी है, डायनेमो गेमिंग भी है, सब अगलैंड इसी में है, ठीक है। 25 इंडिविजुअल क्रिएटर्स इसी में थे और तभी इसका नाम है यहाँ पर, तभी इसको पता है कि वुमेन इनिशिएटिव जो भी ये देखो फन फैक्ट्स अबाउट कैरी मिनार्टी ईजीआई, क्योंकि वो ईजीआई में तो वो कितना नाम विड्रॉ करेगा। अब मेरा इससे मोटिव क्या है कि देखो हेट डायरेक्ट करनी है तो सोर्स पे मत करो डायरेक्ट, क्योंकि कैरी मिनार्टी की गलती नहीं है, गलती किसकी है, जो थर्ड पार्टी देखो जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ, मेरा चैनल अभी रिसेंटली हैक हुआ था 3 महीने पहले, तो एक वीपीएन की मैंने प्रमोशन करने को बोला था मेरे को एक बंदे ने, एक रशियन हैकर ने, तो उसने मेरे को वीपीएन दिया, तो मैं वीपीएन को ब्लेम नहीं करूँगा, वो उसके पीछे हाथ उस रशियन हैकर का था, तो डायरेक्टली आई वुड ब्लेम हिम जस्ट लाइक दैट। कैरी मिनार्टी के पीछे जिनका हाथ है तुम उनको ब्लेम करो जाके, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग हिम टू हेट टुवर्ड्स हिम। और मेरे को नहीं पता रिसेंट टाइम में क्या ड्रामा हुआ है या क्या लड़ाई हुई है, बट इसने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया इन लोगों से और अब ये लोग उसके साथ काम नहीं करते हैं, बट ये डायनेमो वगैरह हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं पता, जो फैक्ट्स है मैं उन पर ही बोलूँगा, जो वो हैं अनडिफाइंड चीज़ें वो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो अब इतना ही पता है मेरे को और तुम लोगों को दिखा दिया मैंने सब कुछ। आई डोंट नो कि कैरी क्यों ऐसे दिखा रहे कि वो उनके साथ कभी नहीं था, क्या घपला किया इन दोनों ने, बट अंदर से मेरे को जो खबरें मिलती रहती हैं आई थिंक कोई घपला हुआ है बीच में, इसकी मर्च आनी थी, ये तुम लोगों को 2 साल पहले का क्यों याद है, एक मर्च आनी थी, वो मर्च में कुछ तो लफड़ा हुआ था, तो मर्च किसी कारणवश नहीं आ पाई है। अब इससे ज़्यादा हिंट मैं तुम्हें नहीं दूंगा, आगे की इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा न्यून मैन देखे, तुम देखो कैरी मिनार्टी देखे, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पता थी वो पता थी, और इसीलिए मैं क्या कहते हैं मैं इनसाइड मैं ऑडियंस की तरह भी देख चुका हूँ कैरी मिनार्टी को, इनसाइड फेलो यूट्यूबर की तरह भी देख चुका हूँ, फेलो कंपनी एम्प्लॉय की तरह भी देख चुका हूँ, क्योंकि मैं इनकी कंपनी के साथ काम करता था, यूज टू एडिट फॉर गनशॉट, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सीईओ की, इसके मैं घर गया हूँ, ही इज अ फकिंग मल्टीमिलियनेयर, उसका मैंशन है भैन जो क्या इससे 10 गुना बड़ा रूम था वो जितना मेरा रूम है, तो और चिंदीगिरी करता था यार वो, क्या कहते हैं एक हाईलाइट के चिंदीगिरी करता था, नहीं 200 रुपये कम ले लो नहीं, तो क्या मैंने उससे बात करी थी मैं अपने स्कूल के टाइम पे जब मैं 12th में था, मेरे पास ज़्यादा ये क्लाउट नहीं था यूट्यूब क्लाउट, तो मैंने उससे कहा था कि मैं कैरी के लिए बना सकता हूँ, क्योंकि क्यों नहीं काम करना चाहेगा कैरी के लिए, मैंने तो कंपनी थी बेट में ज्वाइन करी थी कि कैरी को एक दिन कैरी से मिलूंगा, उस टट्टी के घर मैं इसीलिए गया था कि कैरी से मुलाकात होगी, बट अनफॉर्चुनेटली कैरी से नहीं मिला अब तक, ठीक है। तो कैरी एडिट करूँ, उस चूतिये ने कहा नहीं तू कैरी के लिए एडिट मत कर, तू गनशॉट के लेकर कैरी के लिए हम करवा लेंगे, तू मत कर। और मैंने कहा कि कर दो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा तो मेरा भी चैनल हो सकता है मैं जो एक दिन 10,000 पहुंच जाए, तो मेरे को कहता वो फ्री का, मेरे को कहता कि यूट्यूब हर किसी के लिए नहीं बना होता, देख ले मैं तो यही कहूँगा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगा ले, कहा ठीक है वो सब ठीक है, मैं पार्ट टाइम कह रहा हूँ थोड़ा यार डाल दोगे एक बार ही बस एक हाईलाइट के लिए, मैं मिन्नत गिर गया बैच चोद इतना कभी नहीं गिरा, कहता हर किसी के लिए नहीं उठे होते, मेरे को टारगेट कर रहा है कि बैच तेरे से नहीं होगा यूट्यूब, नाइस यार आज स्ट्रीम पे बैठा ये देख क्या चल रहा है चैट में तेरे लिए यार, सैड यार कंपनी एंड करने की बात हो रही है, एंड आई डोंट केयर स्ट्राइक मार कोई नहीं, 3 महीने की स्ट्राइक है मार, तब 20,000 थे पूजा का ये हाल हुआ है, आज 4 गुना और है, कितनी साइबर बुलिंग होती है मैं अभी तो देखूं, लगाओ स्ट्राइक है, रिस्पेक्ट FFFF, गो जहाँ जाना तुम लोगों को, आई डोंट नो मेरे को नहीं पता इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, चैनल बंद होगा, लीगल केस बैंच देख लेंगे सब देख लेंगे, ये सच्चाई बाहर आनी जरूरी थी जो तुम लोग पर्दों के पीछे छुपा के रखते हो, बैंच सब उड़ा दूंगा, नंगा कर दूंगा पुसड़ी वालों, नंगा कर दूंगा तुम लोगों को, तो मैं फक बैंच फक, आओ पानी पी लूँ, इतना लगातार काफ़ी टाइम से नहीं बोला यार, कान गर्म पड़ गए मेरी भाई मेरी, हाँ भाई किसकी मेरी भाई, पानी नहीं है यार, एक तो तुम लोग एंड करने की बात जल्दी करना स्टार्ट कर देते हो यार, कान गर्म पड़ गए बहन चूत, हाँ भाई किसकी अब बताओ किसकी FFF, भाई किसकी बताओ यार, मैक्स रिस्पेक्ट, अरे मेरे लिए क्यों रिस्पेक्ट है, ये काम ये सब पर्दों के पीछे होता था, पहला यूट्यूबर जो ये दिखाता है, बस मेरे को यही कहना है यार, मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, मेरे को बस दिखाना था तुम लोगों को कि क्योंकि ये चीज कोई नहीं बता सकता कोई भी नहीं, या तो वो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, इधर दे आर इन दिस कंपनी, 90% लोग इस कंपनी में, तो मैं किस किस को जाके टोकूं और रोकूं,
ठीक है, या तो फिर उनको परवाह नहीं है और इनसाइड चीजें नहीं पता, क्योंकि ये जो चीजें मैं तुमको बता पा रहा हूँ, मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनकी कंपनी के साथ काम किया है, ये तुमको कोई भी नहीं बता पाता। और बाय चांस मैं यूट्यूब फेमस हूँ, बाय चांस, वरना ये चीजें कभी बाहर नहीं आ पाती। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते, बता रहा होता 20 की वॉचिंग पे किसी को, बट आई एम ऑन अ हाई ग्राउंड, एनिकन यू आर ऑन द हाई ग्राउंड, तो मैं हाई ग्राउंड पे हूँ, तो मैं बता पा रहा हूँ तुम लोगों को ये सब। तो किस्मत से हो सकता है कि ये चीजें बाहर आनी हो फ्रेंड्स। कैन यू एक्सप्लेन अगेन भाई? नाइस यार, मेरी भाई मेरी भाई यार, बोल रहा हूँ इतनी देर से अगेन, क्या सही मारते तुमको टीचर क्लास में, अध्यापक से पिटने चाहिए तुम लोग, बार बार पूछते रहते हो। अबे बोल रखा है डाउट क्लियर कर लो, इसका मतलब ये थोड़ी टॉपिक दोबारा समझा देंगे, रिपीट पे देख लेना, स्ट्रीम ये चैनल पे ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। अब बताओ किसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी? ओके, यू वांट टू नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का सीन, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ओके, ये भी एक चेन है, डिस्ट्रॉय कर दूंगा सबको, सुपर सेन और वॉट भाई, ये सब गूगल बोल रहा है, स्ट्रेट अप फैक्ट्स जो मैंने दिखाया, तुम लोग सर्च कर सकते हो, तुम्हारे आगे की बात है। ओके, कॉपीज बनाओ, रिकॉर्डिंग्स बनाओ, मेरी स्ट्रीम उड़ने के फुल चांसेस हैं, मेरी 3 महीने की लाइव स्ट्रीम बंद हो सकती है, बट हु द फक केयर्स, एटलीस्ट तुम लोगों को सच पता है। अगर 4000 लोगों की बुद्धि में भी चला जाए, 80,000 लोगों की, देन आई एम ओके विद इट। कम से कम इन टट्टियों को आगे बढ़ाना तो बंद करोगे तुम लोग, जितने तुम इनको बुरे समझते थे कंटेंट वाइज, ये नेचर वाइज उससे कहीं ज्यादा गुना राक्षस है। मैं इनके लोड़ो क्या ही बोलूँगा, तौबा तौबा यार, सुअर की माँ चोदना बंद करो। ओके, तो 2016 से आज हम मूव करते हैं 2020 की तरफ। मेरे को पता है मेरी ड्राइंग गंदी है, बट ओके, उफ उफ के जी एन। तो ये सी था और ये डी, ये कैरी में नाटी था और ये डैंक रिशू, नहीं पूछ, नहीं ये डॉक्टर नहीं है, नहीं मम्मी आप स्ट्रीम मत देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डी लिख देता हूँ खाली। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरी बात कहाँ से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात आई। तो लास्ट स्ट्रीम में अगर तुम लोग मौजूद नहीं थे, एक रिकैप दे देता हूँ मैं तुम लोगों को। तो जब मैंने पिछला एपिसोड किया था, एपिसोड 3, मतलब ये पार्ट 2 एपिसोड 3, एपिसोड 3 का पार्ट 1 जब हुआ था, तो उसकी न्यूज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने दी थी। माय ओनली क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फॉर्मर फ्रेंड, जो कि मेरा फ्रेंड हुआ करता था, जो कि अब झूल रहा है इधर से उधर कि मैं जो किधर रहा हूँ, बट उसका पलड़ा थोड़ा उस साइड भारी है मेरी तरफ से ज़्यादा। तो उसने वो वीडियो बनाई थी मेरे ऊपर पूरी, उसमें मेरी वो दे रखी थी कि मैं जो, इसने ये सब बोला एपिसोड 1 में, और एपिसोड मतलब उसने वीडियो बनाई थी इस पर, और वो प्राइवेट हो गई थी कितने 15 घंटे 14 घंटे में। तो हुआ क्या मेरे को समझ नहीं आया, मैंने उससे पूछा, उसने 3 दिन तक रिप्लाई नहीं किया, 3रे दिन मैंने स्ट्रीम पे कॉल किया, मैंने धमकी दी कि तेरा फेस रिवील कर दूंगा, तो थोड़ा रिप्लाई आने लगा अगले दिन। मैंने तुम लोगों को ये बात नहीं बताई शायद, बट उसका रिप्लाई आया मेरे को। सो रिप्लाई में क्या आता है, लेट्स रीड इट ऑन स्ट्रीम, क्यों छुपाना कुछ भी ऑडियंस से, आओ क्यों फ़ोन भी क्यों, आओ इंस्टा खोलते हैं इस पर, क्यों नहीं। डोंट अंडरस्टैंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, तो उससे ज़्यादा नाक कटेगी बाजार में, ठीक है, इससे कम कटेगी। और सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात एडवांस में बोल देता हूँ, मैं तो नहीं डरता किसी से, दूसरी बात चुपचाप से मेरे लिए वैलिडेशन सीख करना बंद करो, बाजार में मेरे लिए वैलिडेशन मांगना बंद करो, मुझे नहीं जानना कैरी मिनाटी मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे नहीं जानना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है कि तुम लोगों को क्या चीज़ें पता है और तुम क्या सोचते हो। सो लेट्स गो ऑन माई इंस्टाग्राम, वॉट द फक इज दिस शिट, ऑफिशियल लॉजिटेक पार्टनर्स, नाइस, क्यों नहीं, आई मीन गुड लक भाई, बड़े भाई आगे जा रहे हैं, ये आई प्रिडिक्ट दिस चैनल विल हिट 1 मिलियन नेवर इन 1 ईयर। ओके चुप, ऋषि कितना गंद बकता है, मादर रुको, इसका एफ करना बंद करो, इसका भी एफ होगा एक दिन, रुको, अरे ये सब मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप खुलेंगे, रुको इनको भी एक सेकंड में ब्रेक देता हूँ, तुम सबके मैसेज आ रखे हैं, सैड भाई तुम आपका रिप्लाई क्यों नहीं करता, तुम भोसड़ी गए, एफ एफ एफ, अरे रुको यार तुम इतने एफ करो, मैं ढूंढता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी का, ब्लॉक कर दिया क्या लूडू ने भाई, रिकॉर्डिंग उठानी पड़ेगी यार मोबाइल से, बैंक चोद, नहीं आ गया आ गया आ गया, मैंने भी रीड नहीं करा, मैं भी स्वेजर हूँ भाई, मैंने भी रीड नहीं करा, आओ लेट्स रीड इट। ओके सो कहाँ से दिखाना है मेरे को, पहले देखने दो, ये सब स्क्रीन शॉट तुमने ले लिया चूतियों ने, बट मैं तुमको दिखा देता हूँ। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने मेरे को ये भेज रखा है, यस्टरडे नाइट स्ट्रीम जब उसने वो बोला था, तन्मय भट्ट वाला सीन हुआ था, तो मैंने कहा वीडियो कहाँ है, जब इसकी वीडियो प्राइवेट हो गई थी तो मैंने पूछा वीडियो कहाँ है, कहता बहुत देख लिया यूट्यूब यार, बहुत गंदा सीन है उधर, इससे अच्छा काम करूँ चुपचाप, वही सही है भाई, छोड़ यार कुछ नहीं, सीधे शब्दों में कहूँ तो EGI ने मेरी गांड फाड़ दी है, मैं तेरी साइड नहीं हूँ, बट मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं तेरी साइड हूँ, तुझे भी फॉलो और उन्हें भी फॉलो करके, बेसिकली क्या कहते हैं उसे, दोगला कुछ कहते थे यार, दोगला, हाँ तो मतलब वही, तो मैंने कहा नाइस, मैंने लिख दिया नाइस, मैं अपने वाइब में रहता, मैं आशीष चंचलानी से भी ऐसे बात करी थी, नाइस, कहता यस ब्रो,
bro. We were never bro. We were never supposed to be bro. अपने वन डायमेंशनल वर्ल्ड में रह के मेरे को ब्रो मत बुला. वी आर नॉट ब्रो. जो मेरे ब्रो है वो स्ट्रीम पे बैठे हैं. यू आर नॉट माई ब्रो. और इसको छोड़ो यार, वैलिडेशन क्या सीख कर रहा हूँ मैं इससे. वीडियो को क्या हुआ ये तो बताओ. मैंने सीधे शब्दों में बोला, फुल इज्जत भाई, जो भी बोलूंगा पब्लिक में बताओगे तो कैसे ट्रस्ट करूँ. तो इसकी गांठ फट गई कि ये बताएगा मेरे को कि EGI ने हटवाई है और मैं पब्लिक में छीछा लेदर कर दूंगा इसकी इज्जत का. एंड फुल ऑन क्या बम सन्नाटे से उड़ा दूंगा इसकी इज्जत. तो इसको पता है ऑलरेडी. तो ये और बुरा स्टेप है, तू बता सकता था और इज्जत बचा सकता था. दिस इज अ क्या कहते हैं, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल लेसन, सॉरी इम्पॉर्टेंट लेसन इन क्रिटिकल थिंकिंग. अगर तुम लोग क्रिटिकली थिंक करोगे तो तुम लोग अपनी इज्जत बचा सकते हो एक्चुअली. बट इसने सोचा कि नहीं मैं रिवील नहीं करूंगा, तू बता देगा. तो मैंने कहा किसने थ्रेड दिया जल्दी बता, ऐसे नहीं होता. वीडियो देखी थी लोगों ने इंटरनेट पे, सबको पता है. मैं कार्ड मार दूंगा, मैं छींचा लेदर कर दूंगा तेरा. कहता किसी ने कुछ नहीं करा ब्रो, जो भी हो गया मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं. ओके, ये मेरी पहली वीडियो नहीं थी जो तूने दिखाई थी, ये चौथी पांचवी थी. तो तेरे को आज से पहले काम याद नहीं आया? मैं तो हमेशा से ऐसा हूँ, मैं तो कभी नहीं चेंज हुआ. एक्स्ट्रॉर्डनरी. मेरे को दोगरेपन की बदबू क्यों आ रही है रूम से? ओके, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम लोग किसको हेट दो या EGI को या किसको भी हेट दो. मैं बस तुम लोगों को माइंड अवेयर करना चाहता हूँ, तुम लोगों का माइंड अवेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या चल रहा है बाजार में और क्या क्या पॉलिटिक्स चलती है बिहाइंड द सीन्स. क्योंकि मेरे चैनल पे तुमको ट्रांसपेरेंसी 100% मिलेगी, नो फिल्टर. जो आता मुंह में बक देता हूँ, जो दिखता है मुंह पे बता देता हूँ. सो नाइस यार, अब किसकी ब्रो. एंड अरे एंड भोसड़ी वालो, क्यों एंड करने में लग जाते हो? थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग यार, थोड़ी सी प्लीज. ऑटो शट डाउन बैट की जूत. अच्छा ये ऑटो शट डाउन हो गया क्या? अरे शट डाउन हो गया ये, सैड भाई. मारी भाई मेरी. लौंडा सच बोल रहा है, जाहिर सी बात है झूठ बोला तुमसे आज कल आज तक. कैरी का ट्वीट देख. ओके लेट्स रिव्यू जो तुम लोग कहोगे. ओके मास्टर जी डाउट क्लियर कर रहे हैं. आओ ट्वीट पढ़ते हैं. लेट्स गो टू ट्विटर. ओके कैरी कैरू बैड की चूत. आओ. ओके कहाँ पे थे हम? अच्छा ये पहले थोड़ा मूड सिंग पीरियड्स के. ओह शिट, दिस हैड बीन ट्रबलिंग मी फॉर अ वाइल. दिस इज, अब एक तो ट्वीट थ्रेड कर लिया कर यार. कैरी यार इतना इतने पैसे देता था उनको, 40% कट देता था उन चूतियों को. टॉम क्रूज से मिलवाया, उनसे कह देता कि ये कनेक्ट कर देते, ट्वीट थ्रेड कर देते इसको. सैड यार, थ्रेड ही नहीं कर रखा. छोड़ो खैर, आओ पढ़ते हैं. दिस हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर अ वाइल. दिस इज माई अटेम्प्ट टू लेट इट आउट विदाउट ट्राइंग टू अफेंड एनीवन. A few people saying I have changed. It is very simple. As you grow up, personality changes. Opinion on things change. I cannot say 16 for all of my life. Okay, I agree to this. Okay. I can act like a 16-year-old, but I like to be me. Okay, ye bhi thoda sa main yahan se start hota hai. Guys, I want to say, but I honestly don't feel comfortable. I'll come across as an arrogant, egotistical asshole. I don't know why I'm saying this today, but honestly, I'm frustrated and depressed. I can't say these things. Why? Because I'm not supposed to. What the fuck? तुमने आज से पहले ये ट्वीट्स नहीं देखे होंगे, बट आजकल तुमने ज़्यादा इसके गोटों पे घंटी बांध दिया ना. ये मेरे को एड्रेस कर नहीं पा रहा भाई. ये मेरे पता नहीं क्यों ये मेरे से डरता है. क्यों पता नहीं मेरे से गांठ फटती है सबकी. क्यों आशीष चंचलानी चाहता है कि कंटेंट चौकीदार ना निकले. बट मैं सीरियस नोट पे कहना चाहता हूँ, बहनचोद नहीं आता. हर दिन कंटेंट चौकीदार नहीं बनता. जब भी कोई टट्टी की बदबू आती है ना रूम में, तभी बनता है. तो बहनचोद किसी को लग रहा है मेरे से बात करनी है तो सम पीपल मत बोलो इंस्टाग्राम पे, बोल डैंक रीशू. और मतलब वहाँ क्यों बोल रहे हैं मेरे को, DM पे आके बता ना. चंचलानी तक ने मैसेज करा है यार. मेरे को लगता था मैं चूती हूँ, लेकिन चंचलानी ने बहनचोद आके बोला है भाई. मैंने चंचलानी को बोला भाई दिल्ली आके मारोगे. कहता तेरा किसी का बाप तेरी गांड नहीं फाड़ सकता, माँ बचाऊंगा तेरे को. भाई चंचलानी भाई साथ देने लग गया. और सेल आउट नहीं हूँ मैं बस बता रहा हूँ कि चैट में क्या हुआ. मैंने उसे लिखा नाइस यार, जैसे कि मैं हमेशा लिखता हूँ नाइस यार. तो चंचलानी की बात अलग है, बट मैं कैरी से यही कहना चाहता हूँ. और मेरी स्ट्रीम देखता चूतियों, कोई छपरी चैनल नहीं हूँ मैं, नोबिता गेमर जो स्ट्रीम पे नहीं आता, वो आता है, वो देख भी रहा होगा अभी लाइव या फिर बाद में देखेगा. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि DM कर दे. मैंने उसे लिखा और डैड DM पे बात करते हैं. कैरी तारा बाप है भाई. मैंने कहा डैड DM पे बात करते. तो उसने फिर सम पीपल करके स्टोरी डाल दी. आई डोंट नो वो अपना कनेक्शन क्यों छुपा रही है EGI से, बट मैं यही कहना चाहता हूँ अगर वो चाहता है कि उसका कोई रिलेशन नहीं था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि कनेक्शन था.
और वो पता नहीं क्या घपला हुआ है पीछे की साइड, वो अब कनेक्शन नहीं दिखाना चाहता अपना. सो आज के राम कथा के लिए इतना ही. सो लेट्स हॉप ऑन टू सम मेन टॉपिक्स. डियर सोल्ड आउट, अरे क्या चंचनानी ने कर... हाँ भाई चंचनानी ने पैसे दिए बेंचो, बहुत सारा पेटीएम किया वो. लाइक आपका पैसा जो जोड़ता है ना, वो मेरी मेरी पीढ़ियों के लिए जोड़ रखा था उसने, सब भेज दिया मेरे बैंक अकाउंट में. लाइक ऐप का प्रमोशन का जो पैसा वो मिलता है ना, उसे सब मेरे को दे दिया उसने. बुंड स्नाइपर, अरे बुंड स्नाइपर की तो क्या ही बोलूं, चूत रखी है भाई, गंदे यूट्यूब ने बेंचो गांड मार रखी है गंदी. ये मेन स्ट्रीम कॉमेडी की जॉनरा में घुसने की कोशिश, गंदा प्रयास रूट स्नाइपर का, बहुत ही छीछा लेदर हो गया मार्केट के अंदर. चार दिन पहले डिस्कॉर्ड गॉट टैलेंट फनी इंडियन वर्जन, बहन की चूत सब डाल दिया टाइटल में, 23,000 व्यूज. आई विल जस्ट स्टिक टू कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि पीपल लोग उसी लिए आते हैं मेरे चैनल पे, कोई मेरे को लैंड के नाम से नहीं जानता, कोई मेरे से प्यार नहीं करता. लेट्स पुट बीबीजे बैग, गरीब बैग, सबको वापस लाओ यार, 23,000 व्यूज. बट डैंक रीशु, Discord's got talent, 66k views, 2 days, yes, thank you, इसलिए बोला था भोसड़ी के बंद कर दिए गंदे काले करम और बना ले अच्छी ऑडियंस. नहीं, 23,000 व्यूज ले भैंचो, 1,00,000 पे 23,000 व्यूज, थूक ले अपने मुंह पे भैंचो, टट्टी रगड़ ले जाके गई भाई. तुम YouTube की गंदगी साफ करो, छीछा लेदर, अरे छीछा लेदर कर दूंगा. वी लव यू रीशू, हाँ तो ये तो पता ही है, जाहिर सी बात है. एंड गरीब ट्रेंडिंग कर लो भाई लोग, अभी 3 महीने पुरानी वीडियो है, कंटेंट सौ की तरह इस महीने आ रहा है, एंड करने का पूरा मौका दिया जाएगा. और तुम मेरे को पता है संयोग, अभी ये एंड करीब इतना पीक पे है 3 महीने के बाद, तो अब मैं सोचता हूँ कि जिस पे भी कंटेंट चौकीदार आएगा उसका तुम लोग क्या करोगे. आई कैन नॉट इमेजिन, चीचा लेदर, यू विल बीट द शिट आउट ऑफ हिम. ओह शिट, मैंने जेंडर की स्पेसिफाई कर दिया. अनिरुद्ध पे उसने उसकी जिंदगी लिरिक्स लीक किया है. अबे चूतिया की कॉन्ट्रो, ये क्या तुम क्या वो क्यों बना रहे हो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने आप से, जो भी गद्दी चीज होगी जिंदगी में वो उसी ने करी है. ये वो मेरे को जो जितना पता है कि जिंदगी के लिरिक्स जो लीक हो गए थे उसके गाने के एक दिन पहले, वो कहाँ से हुए थे, वो क्या हुआ था, उसने सोशल ब्लेड पर परफॉर्म किया था. तो तुम लोग ए कैरी भाई बिग फैन करके फुटेज रिकॉर्ड करते हो ना, उसमें से जो उसने गाना गाया था ना, तो लिरिक्स तो जाहिर सी बातें सुनाई देते, तो वो लीक हो गए थे वहीं से. तो जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है, जो होना चाहिए मेन रीज़न वही मेरे को लग रहा है वही था. तो लिरिक्स लीक करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, वही लीक हुए थे. कैरी की चैट देख, मत करो गंदी जाके प्लीज़, गॉड फॉरबिड प्लीज़ मत करा करो ये काम. ये मैंने तुमसे अभी बोला वैलिडेशन सीख मत करो, तो स्टॉप इट, गेट सम हेल्प. वॉचिंग देख बीसी, अरे मसाला गिराया ना इतने दिन बाद, हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक हो गया, क्या हो गया यार. अरे तन्मय भट्ट भी है स्ट्रीम पे, कैरी भी है, गरीब भी है, सब लोग हैं, वॉचिंग कहाँ है. ओ शिट, वो सब तो आरपी के साथ ही चली गई. सैड यार, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है. हेलो इंटेल, स्पॉन्सर मी. और दूसरे दिन, अरे इंटेल चूतिया का प्रोसेसर दे दिया बैंक करोड़. मेरा चैनल कभी ब्रांड फ्रेंडली नहीं बनने वाला. लव यू वेरी वेरी मच, नाइस भाई. भैया ओपीएस फक, भाई यार मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा. आई रिमेंबर माई सेकेंड स्पॉन्सरशिप, मेरे को छक्के से आपने मिनी जॉय ने स्पॉन्सर करा था. आई रिमेंबर, मैंने दूसरे दिन ही स्ट्रीम पे आके बोल दिया लैंड वैन जो मैंने ही डाउनलोड नहीं करा, उस गांडो ने आधी पेमेंट दी थी यार. भाई दिल से बुरा लगता है यार. कभी भी मेरे को नहीं लगता है इस चैनल पे फिल्टर आने वाला है, आई डोंट थिंक सो. और यही एक मेन रीज़न है कि YouTube मेरा कंटेंट प्रमोट नहीं करता. YouTube डजंट वॉन्ट टू लेट पीपल नो दीज थिंग्स. YouTube नहीं चाहता कि वैनचो तुम लोगों को ये सब चीज़ें पता चले. बट कितना फिल्टर लगा लोगे वेंचो, वी हैव अराइव्ड इन द मार्केट. कितना फिल्टर, एक एक चप्पल बजाऊंगा ना मुंह पे, इतनी गंदी शक्ल है यार कुणाल सारा तुम्हारी, दिखा भी नहीं पाते यार, मुंह पे चप्पल मारूंगा, शक्ल दिखा वेंचो. आशीष की चैट, आशीष भी लाइव स्ट्रीम करने लग गया क्या ही बोला वायरस के लिए. कल तो ब्रो मोमेंट, ब्रह मोमेंट हो गया भाई आशीष चंचलानी का. स्ट्रीम अपनी स्टोरीज में डालता कि ये बोला फैल रहा, 10-15 स्टोरी डाली भाई रोते हुए. अरे यार वो वायरस का नाम गलत हो गया, वो कोरोना वायरस था. ऊपसी, अब स्टोरीज भी डिलीट नहीं कर सकता, 15 दोबारा बनानी पड़ेंगी. ब्रो मूवमेंट हो गया भाई, फुल टू, मजा आ गया भाई. आजकल के दिन बढ़िया जा रहे हैं यार, 80 के हो गए, लाइफ इज गोइंग परफेक्ट. बस एक दो लीगल केस और आ जाए ना जिंदगी में कोर्ट कचहरी के, ये EGI वाले मारे तो तुम लोग मजे लो कुछ दिन. तो नहीं यार, मत मारो यार, 18 का हूँ अभी, नहीं जाना कोर्ट कचहरी भाई, बचा लेना यार. लॉयर वॉयर बैठे हो बहन के लोड, ये देख लो सच्चाई को दबाने के लिए अभी कभी भी कॉपी स्ट्राइक पड़ सकती है किसी की भी तुम्हारी, बचा लो यार. ये चैनल पे रहनी चाहिए स्ट्रीम, जो देख रहा है, जो मतलब देख रहा है ना, ये डैंग के इस रिशू पे ना देख रहा हो, ये डैंग रिशू पे चल रही हो आई होप.
पीक ऑफ कंटेंट चौकीदार, हाँ ये पीक स्टेज है भाई, सबकी गांड फटती है, मैंने देख लिया। पता नहीं क्यों तुम लोग इतने कम्युनिटी में इतने ज़्यादा वो मौजूद, ये पॉजिटिव चीज़ है, बट आई डोंट नो कि किसी की भी चैट हो, तुम लोग भैंचो दंड गरीब, मुंबई कर निखिल की वीडियो, TSP की वीडियो, यू गाइज आर फकिंग एवरीवेयर, आई डोंट नो हाउ, बट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। सक्का है आता, हाँ भाई माँ सक्का, हाँ भाई हम तो लंड है भूसड़ी के, अरे तुम लोग नहीं तो भैंचो चौड़ दिला रखी है कंटेंट चौकीदार की, नहीं तो भैंचो पड़ा होता किसी नाले में, मैं भी भैंचो न्यू ईयर पर दारू पी के, मैं भी तो हूँ भाई, अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी भी बनती है ना। लगाते हैं, अरे बैंड की चूत रिमिक्स से याद आया, ये तुम लोगों को मैंने वीडियो दिखाई थी ना, अरे रुको रुको रुको, मसाला गिरी करते हैं थोड़ी सी, यूट्यूब का केजरीवाल आ गया, वो ऐसे ही चलता रहा बिना वॉट वाली, ऐसे चलती है बिना व्यू वॉट वाली चैट। बंटा 20% व्यू वॉट पूरा, 10,000 वॉचे बंटा, रेडी पे जा वापस, चल चल जा, बच्चे बच्चे पैदा करने और खिलाने की उम्र में खुद खेल रहा है, क्या ही बोलूं इसको मैं, मेंबर्स ओनली चैट करके रखो, मेरी तो 16,000 वॉचिंग आती है, तो भूसड़ी के 15,000 उसमें से GTX क्या कहते हैं, GTX 1080 Ti लिख रहे होते हैं चूते, ग्राफिक कार्ड बुलाते हैं तेरे को, मेरे में तो वैसे भी मैं जो जंग लग गई है, तू ये इससे भी बदतर है तू, चूतियाँ कहीं, मारी 16,000 वॉचिंग आती है तो क्या करूँ, नाचूँ तो नाचूँ, आओ नाइस, ये रफ्तार की बचपन की क्लिप लीक हो गई भाई, चौड़ तेरे भाई की वाइटी में, नाइस यार, कुच्ची कुच्ची लोड़ा लंड की बैंड की चूता, रफ्तार भाई बुआ की बैंड की चूता, आए बुआ का मत दे, बैट बुआ का मत दे, काली बुक्की, आए बुआ का मत दे, प्रियंका बुआ की पैर की चूत, और एक ये पैर की चूत, पहले एक बात ख्याल रखता कि कोई योर व्यूज ऑन वेदांत रश्टी, अरे मैंने उस बंदे की वीडियो देखी, इफ यू गाइस वांट टू चेक आउट वेदांत रश्टी की एक वीडियो आई है, उसमें मेरा काफी तारीफ वगैरह कर रखी है, तो तुम लोग जाके देख सकते हो, पैर की चूत जाके देखो, पैर की चूत। अब क्या हुआ कि एक बंदे ने ये जो बहन की चूत रिमिक्स बनाया था, इसने इन दोनों का कंबाइंड रिमिक्स निकाल दिया है भाई, नाइस यार भाई, वाई भी मोजी, नाइस यार, इफ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट यू कैन डू, इस बंदे ने बना दिया मेरे कहने से, तो अच्छी बात है भाई, अपडेटेड रहता है भाई लड़का, नाइस यार, हमारा काम है भाई शाउट आउट देना। नेक्स्ट कंटेंट चौकीदार कब आएगा, अरे इस महीने का बताया तो, राकत उन्नीस एक वॉरियर दबा के व्यू वॉट लगाते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, ये फैक्ट नहीं है तो मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, बट जिसका मेरे को लगता है तो मैं उस पर बोल देता हूँ कभी कभी, ओके ओके, ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं, मैं फालतू बोल दूंगा, हाँ फिर मेरी गांड मार देगा वो फैक्ट्स पे, तो मैं नहीं बोलता कुछ भी, मैं नहीं बोलता, बट आरपी के टाइम पे इतना मुत्ता मुझे भी लगा, मतलब कैसे कोई देख सकता है इतनी, मतलब इतने दिमाग की चोरी हो गई है तभी कोई इतनी चोरी देख सकता है, बैंक की बार बार की बहन जो 10-15,000 बार एक ही स्ट्रीम में चोरी हो रही है, वही तुम देखो 10-15,000 बंदे, तो थोड़ा लगता है कभी कभी कि हाँ, बट फैक्ट्स नहीं है, सो आई वोंट एग्री ऑन दैट, तेरी पैंट की चूत, गुड नाइट, नाइस, मेरे साथ पबजी खेलो और तन्मय की तरह 100 के करा दे, नाइस यार भाई मेरी। अब किसकी, डैंक की बैट की चूट, डैंक भाई, डैंक रीशु भी नहीं, डैंक की, एक बार कंसू, क्या कंसू लबड़ा है बोल दे, थैंक्स फॉर फीचरिंग मी इन वीडियो कॉल कैरी, नाइस थैंक यू भाई, नाइस, अरे रुको कहाँ पे था, एक चीज निकल गई यार दिमाग से यार, बैट की चूट वापस याद दिलाओ, कहाँ थे हम, लक्ष्य चौधरी, अच्छा लक्ष्य चौधरी का सीन मैं तुमको समझाता हूँ, तो लक्ष्य चौधरी का सीन थोड़ा लंबा है, बट ओके मैं थोड़ा
थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ऊपर ऊपर से थोड़ी मात्रा लगा के बता देता हूँ। उनके पार्टिसिपेंट चेक किया कर 4-5 हज़ार वॉचिंग में। अरे पार्टिसिपेंट मैंने देखी है भाई, ये सराय काले कहाँ पे जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, उतनी संख्या में होती है उनकी चैट में बंदे, 10-15 लोग ही होते हैं। 5 हज़ार की वॉचिंग पे ये चैट होती है, 5 हज़ार बंदे यहाँ बैठे हैं, वहाँ पे भैंचो 15 बंदे मर मर के भैंचो लिख रहे हैं, भाई यार थर्माइट घुस गया मेरे दिमाग में, निकाल दो, क्या ही बोलूँ। उसमें से भी भैंचो 10-15 होते हैं। आई ओनली स्पिट द फैक्ट्स, ओके, तुम लोग जाके कभी भी कंफर्म कर सकते हो। चैट इतनी डेड होती है ना, इतनी डेड भैंचो, क्या ही बताऊँ। चलो रुको रुको रुको, इनकी बैक इनकी बिचिंग किसी और दिन, अभी हम कहाँ थे, लक्ष्य चौधरी। सो यस, लक्ष्य चौधरी का सीन मैं तुमको बताता हूँ। सो लक्ष्य चौधरी को मैंने पहले वीडियोस देखी हुई थी, बट मेरे को पता नहीं था ये बंदा कौन है। फिर अचानक से इसने एक डायनेमो पे वीडियो बनाई थी, और डायनेमो वाली मेरे को याद है इसने काफ़ी पीक पे चली गई थी इसकी, तो डायनेमो को इसने सपोर्ट कर रखा था, और मेरी गांड की लज गई क्योंकि गलत फैक्ट्स पे इसने सपोर्ट कर रखा था उस टाइम पे। तो मैंने भी बीइंग अ एजी टफ टफ एजी किड होते हुए मैंने भी इस पर रोस्ट निकाल दिया, थोड़ा सटल टाइप का रोस्ट, कि मैं जो लक्ष्य बेटी चौधरी है, तो मेरे को पूरी वीडियो याद नहीं, पता नहीं, बहुत क्रिंज है, मैं देखता भी नहीं अपनी पुरानी वीडियोस, तुम लोग ही भाई बिग फैन यार करते रहते हो, मैंने नहीं देखी वो काफ़ी टाइम से, तो ये बोल दिया था मैंने। बट मैंने फिर अजहर वगैरह चालू किया, उसने मेरे चैनल देखा तो मेरे को मैसेज करके गया था बिग फैन भाई, तो ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने कहा भाई नाइस यार, ये बंदा खुद से अप्रोच कर रहा है, बिग फैन भाई वगैरह कर रहा है, और फॉलो भी इसने पहले कर दिया, और फिर अनफॉलो भी नहीं करा 3 दिन देखने के बाद भी, अनलाइक EGI मैक्सटर्न ऑफिशियल OPPAP FTW फॉर द विन PPAP CVV 911। ओ शिट, CVV बता दिया कार्ड का, अरे कार्ड ब्लॉक कराओ यार कुछ। नाइस यार, CV सब बता देते हैं भैंचो, नाम है कि भोसड़ी वाले, एड्रेस है, सब लिख देते हैं नाम में। तो उसने मेरे को फॉलो करके रखा 3 दिन, तो मैंने भी फॉलो बैक कर दिया, तो मैं उसकी वीडियोस इतनी देखता, बट वो बहन क्या कहते हैं अपनी वीडियोस में कई बार मेरा नाम वगैरह ले लेता है, तो मेरे को बीच में 2000 सब्स भी मिले थे उसकी वजह से, उसने बस हल्का सा नाम लिया और 2000 सब्स बढ़ गए, तो मेरी बात बात हुई उससे, तो इतनी बात बातचीत हल्की फुल्की थी। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है उसके खिलाफ, लोग उस पर क्या कहते हैं ईंटें तलवार लेके चढ़ गए कि इसकी गांड मारो, पता नहीं कुछ सीन हो गया रिसेंटली, मुझे इतना पता नहीं है, बट इतना मेरे को पता, थोड़ा हाइप्ड अप टॉपिक है लक्ष्य चौधरी का, मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ, मैंने अपना रिलेशन बता दिया जहाँ तक था, और मेरा ओपिनियन तुम लोग पूछोगे, अब मैं क्या ही बोलूँ, तुम लोग ही बताओ। मैं मेरा नहीं है इस चीज़ पे कोई ओपिनियन यार, मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ, तो मैं दूर ही रहता हूँ। CVV लीक हो गया भाई, कार्ड नंबर तो नहीं पता ना, बैंक रोड है भाई, ये रशियन हैकर को तो पता है। ओ फक, हिंट्स दे कॉन्टेंट चौकीदार पे, अरे मैं दूंगा, चिल मारो, मैं दूंगा, आई विल इंश्योर कि तुम लोगों को पता हो कि कॉन्टेंट चौकीदार किस पे आ रहा है भाई, प्लीज़ एक गाली दे दे, खम्मा तौबा, तो खम्मा क्या है ये, अनिरुद्ध तो गनशॉट का ऑफिशियल मैनेजर है ना, अबे नाइस, मेरी भाई मेरी, अबे तेरी बुद्धि में क्या भैंचो पत्थर पड़ गए हैं क्या, अभी इतनी देर से क्या बक रहा हूँ मैं, घुटनों में पत्थर है क्या तेरे, क्लीन स्ट्रीम विद रैंक रिव्यू EGI PUBG मोबाइल डैंक रेडिट, ओपसी, ओके यार कैरी, नाइस यार कैरी यार, भाई मेरी फनी हाइलाइट्स जैंग रिशू व्यूअर्स ना कैरी मिनाटी होल इंटरनेट ओके बोट डूइंग स्वच्छता अभियान नाइस यार मोदी जी होल सम मीम्स जैंग रिशू बिकॉज ही कांट हिट 100 के हेल्प कर दो यार थोड़ी कैरी बता कौन से पर्रे चाहिए नाइस गुड मीम फनेटिक स्काउट ओपी फनेटिक रिशू ओपी PPAP FTV CVV 911 नाइस भाई क्यों करते हो ये चूतियापा भाई माँ कसम खा रहा हूँ भैंचो नोटबुक में इतना डेल्टा लिख लेते ना पास हो जाते भैंचो यहाँ अपने नामों में इन लोगों ने डेल्टा वेल्टा लगा रखे हैं उल्टे पुल्टे करके भैंचो इतनी नफरत है ना मुझे चूतियों के बच्चों भगवान ने नाम अभिषेक रखा है ना तो ये क्या टैक भी जोड़ लोगे आगे डेल्टा भी लगा लोगे अपने नाम में क्राउन के साइन भी लगा लोगे स्टॉप इट गेट सम हेल्प सीधा लिख दो भैंचो नाम क्या जरूरत है अनमोल जुनेजा को रेड मारो प्लीज नाइस यार वाई रफ्तार शुड हैव ऑल द फन ये क्या है पे गोली खाऊंगा भैंड की चूत कह रहा अभी भाई सब लोग बनाओ मैं तो कह रहा हूँ सीरीज ऑफ इवेंट्स 5-star रोज ये क्या है भाई गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा ये ओपिनियन रिवॉर्ड्स अरे 5-star दिया है भाई माँ का तो इसने 2 इमेजिन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो पबजी न्यू मैप रॉकजोन गेमिंग Terrible. It looks misleading. It's uninteresting to me. It looks violent. It looks overly sexual. It looks junky or trashy. Unrelated to.
What the fuck, bro? Nice. 18 रुपए. Google, you have earned my respect. Google ने आज मेरी ज़िंदगी में बहुत help करी है कदम से. Google is love यार. Google तो प्यार. Trashy भाई, trashy, not really. इधर आ रक्षा चौधरी, तुझे डैंक बनाता हूँ. अरे nice यार. रीशु भैया full. कौन है ये भूसरी? ये कौन घर पे बैठ के एडिट कर रहा है ऐसी गंदी गंदी चित्रकलाएं मेरी बहन के लोड़ों? एस इन सुअर इज रीशु, एस इन रीशु इज सुअर. अरे उल्टा बोल दिया बैचूद, और बेइज्जती हो गई बाजार में. रीपोस्टेड माय आर्ट बिकॉज इट वाज इग्नोर्ड लास्ट टाइम. नाइस फैन आर्ट यार, नाइस यार, गुड फैन आर्ट. पावर माइनर वाई टी, नाइस. डिस्कॉर्ड लिंक दे दो. बैच की चूज डिस्कॉर्ड लिंक. जस्ट सी का कंटेंट, द आर्ट, द आर्टिस्ट, नाइस, गुड बीम. डेकली स्ट्री फिट डैंक रीशु ई जी आई. ये तो मैंने आज का तमने लिसी से इंस्पायर होकर बनाया है. गुड मीम. आर्ट, आर्टिस्ट. हाँ ये री स्टोरी. आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी. ये लॉट ऑफ पीपल से इसका मतलब मैं, यस आर्टिस्ट मैं, यस गुड. इससे तुम लोग समझ सकते हो. नाइस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग. गौरव जोन व्यूअर्स ऑल्सो वॉच दिस. गवार अट्रैक्ट्स गवार. नाइस नाइस. गवार अट्रैक्ट्स गवार. बट इस बंदे की बट एक बात कहूँगा, इस बंदे की वीडियो में एफर्ट रहता है यार. और ये मीम, बट आई हेट हिज कम. स्वागत है. हाँ हाँ, इस क्लिप की मैं बात कर रहा हूँ. हाँ इस क्लिप की मैं बात कर रहा था. रुको मैं फुल स्क्रीन में नहीं दिखा रहा, तो स्ट्राइक मारेंगे भोसड़ी वाले. रुको इधर उधर करता रहूंगा ताकि स्ट्राइक बचा पाऊँ. Meanwhile, तो गाइस आप सबका स्वागत है. हम ये ओवरले देख लो, थोड़ा डिसीव मत होना. ऊपर नीचे ईजीआई का है, ठीक है? ओके अब आगे देख लो. दूसरे चैनल पे है गाइस, फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, घंटी भी बजा. अब चैनल का नाम तुम लोगों ने नहीं देखा तो मैं दिखवा देता हूँ. ये देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अरे कैरीज लाइव की स्पेलिंग बदल गई क्या भाई? मारी आंखों में तेजाब गिर गया है क्या? नाइस, ठीक है भाई. ठाका भाई कैरी, नाइस. मेरी भाई मेरी. आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी अबाउट, नाइस. अरे भाई क्या ही बोलूँ अब इसको, सब चले जाएंगे सर, रोशत रह जाएगा. पैट की चूत. प्रॉब्लम इज नॉट ईजी आई, स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड्स हैव प्रेशर ऑफ यूज सब्सक्राइबर्स. अबे तो चूती के बच्चे, ईजीआई को रखा क्यों हुआ है उसने, कैरी मिनाटी ने? स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स के लिए तो रखा है. और क्या मैनेजर उसके घर में बैठ के, मैं जो माली मूली छीलते हैं क्या, माली है क्या उसके घर पे मैनेजर वगैरह? इसीलिए तो रखा कि ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स दिला पाए वो. उनका वही काम था मेनली, और उसका कट वो लोग लेते थे भरपूर तरीके से. तो मेन प्रॉब्लम वही थी, क्योंकि तुम लोगों को गार्ड का जोर लगाना पड़ता है जब बड़े यूट्यूबर होते हो. या तो पैसे कमा लो या तो अपनी माचूत वालो. साफ सीधी बात, तुमको यूट्यूब को खुश करना है, तुमको जनता को खुश करना है, तुमको ब्रांड को खुश करना है. अब इंसान मर जाएगा भाई, जो कैरी की गलती नहीं है. मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, इन चूतियों ने उसको पैसे का लालच दे के, और पता नहीं क्या क्या मर्च भी नहीं आई अब तक. वेंचू खरीदनी थी मेरे को, क्या कहते हैं यहाँ, कहते हैं बिरजू धर्मशाला में पहन के जानी थी वेंचू. शादी थी मेरी बहन की, अब बहन ने शादी तोड़ दी. कह रही जब मर्च आएगी तभी करूँगी, मर्च नहीं आई पता नहीं यार. नाइस यार, मेरी भाई मेरी. क्लीनेस्ट एनिमल रीशु इज द क्लीनेस्ट एनिमल. वाई मेरी भाई मेरी. अंकिता सी, क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? क्वेश्चन क्या है तुम लोगों का? क्या नाम स्पैम कर रहे हो? मतलब क्या बताऊँ, क्या मतलब समझना क्या तुमको इससे? अंकिता सी से मेरी लास्ट बात हुई थी कॉन्टेंट चौकीदार के बाद. तो अब तुमको पता है ये सब लोग रिलेटेड है वन ऑन दी अदर, वन क्या कहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है. दादा इंग्लैंड नहीं झाड़ूंगा, वरना तुम लोग बहन चोद या अंग्रेजी ठुकरिया वाली मीम्स बना दोगे, ठीक है? तो मेरी बात हुई थी उससे आखिरी बार जब कंटेंट चौकीदार आया था, कि उसने मेरे को बोला था कि पूजा पे तूने भी डिस्ट्रैक्ट निकाला था एंड दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट कॉल आउट गरीब लाइक दिस. तो मैंने कहा नाइस यार, मैंने कहा कल कॉन्टेंट हवलदार रिलीज हो रहा है, उसके बाद मैसेज कर दियो देखने के बाद. एंड गेस व्हाट, अब तक मैसेज नहीं आया है. मैं चुप रहता हूँ भाई, मारा काम बोलता है भाई, मैं चुप रहता हूँ. एंड दिस इज ट्रू स्टोरी. अगर तुमको चाहिए स्क्रीनशॉट्स वगैरह पड़े हैं, मुझे जीजा बना लिया अपना. जीजा जी ने मुझे अपने आगोश में करके बेहोश कर लिया. मेरी भाई मेरी. तो अंकिता सी से मैं, मेरा बस लास्ट इंटरेक्शन ये था. एंड इफ यू आर आस्किंग अबाउट रिलेशंस, तो मेरा कुछ बीफ नहीं है उससे. उसने इनफैक्ट मेरी बहुत हेल्प करी है मेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में. एंड अगर तुम लोग आज मुझे देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका 10-20% कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड आई वुड से इवन मोर, क्योंकि मैं किसी का क्रेडिट नहीं छीनता. उसने हेल्प करिए तो करिए, इन शॉर्ट ने हेल्प करिए तो करिए.
इन लोगों को क्रेडिट में कभी नहीं छीन सकता। और अगर तुम लोग कहोगे कि डैडी फूल ने हेल्प करी तो हाँ करी है उसने, मेरे को बड़े होके किसी को मारने जाना था तो मेरे को टारगेट मिल चुका है, पिटाई कर दूंगा मैं, जेल चला जाऊंगा। कुपोषित आदमी को सड़क पे पीटा चप्पल से, मुंह पे मारूंगा चप्पल जहाँ देखा, साला मैकडी के वाईफाई पे स्ट्रीम करता है फ्री वाला, मुंह चलता है ऐसे भैंचो कैंची की तरह, कैंची जैसा मुंह है कैंची की तरह चलता है। अरे आशीष नंदानी स्टार्टेड फॉलोइंग यू, नाइस भाई मेरी क्लिप उठा दी पूरी, बाहू का लड़ खड़ा हो, अरे भाई ये 16 की भाई ये नाइस भाई नहीं मेरी। और मैं इस वीडियो की बात कर रहा था वेदांत दृष्टि की, तुम लोग जाके देख सकते हो, अगर तुम लोग जो मैं चीज़ें बोलता हूँ उसको तुमको थोड़े शॉर्ट में समझना है तो ये इस बंदे ने अच्छे से एक्सप्लेन करा अच्छी एडिटिंग के साथ, नाइस। अनदर रिप्लाई टू रिशू, हाँ ये वही स्टोरी है, व्हेन डैंग रिशू अपलोडेड कंटेंट चौकीदार, अरे आवाज़ तो करने दो, व्हाट द फक वाज दैट, अरे ये क्या था भाई ना, ये आवाज़ कहाँ से, ये ओरिजिनल आवाज़ है, गांड फट गई इसकी तो, गुड बीफ, ये तो गुतम डाल लीजिए थी ना। योर ओपिनियन अबाउट सलील जामदार पॉन की माँ का बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, 1 or 2 बहुत सेक्सी, नंबर 3 अगर वो अकेले बनाता तो मेरे को ज़्यादा खुशी होती, वो मैसेज सुनो, एक बात सुनो 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 सुनो, एक मैं इस चीज़ पे बताना थोड़ा भूल गया, मैंने डिटेल्ड तरीके से अपनी वीडियो में नहीं बताया तो मैं तुमको बताता हूँ सलील जामदार की थर्ड वीडियो में मैसेज कन्वे होने में क्या दिक्कत रह गई, वो कनेक्शन नहीं बन पाया जो एपिसोड 1 or 2 से बन रहा था, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज वुड अग्री, उसका मैसेज इस वीडियो में था आशीष अस्टानी के थ्रू, अब वो मेरे को फॉलो भी करता है बट मेरे को डर नहीं है, मैं उसको जो बोलना बोलूँगा, उसका मैसेज क्या था कि पॉन इज रेप एजुकेशन, कि मतलब पॉन देख के लोग रेप करना सीखते हैं, ये बिल्कुल ही रिसर्च में कहीं नहीं लिखा, ये उसने अपने मनगढ़ंत पॉइंट बनाया, मैंने इस पर पूरी रिसर्च करी है, तुम लोग जाके इंटरनेट पर देख सकते हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा प्रोफेशनल स्टडी सर्वे वगैरह के थ्रू, बट उसने ये जानबूझ के इंक्लूड करा जस्ट टू मेक वीडियो थोड़ा मसालेबाजी, और ये वही बात हो गई कि बहन वही बात हो गई कि वीडियो गेम्स देख के बच्चे टेररिस्ट बन जाते, गनमैन चलाना सीख जाते, क्रिमिनल बन जाते, वही आइडियोलॉजी है ये भी, ऑल द मैं उसके मैसेज को पूरा डिनाई नहीं कर रहा बट ये पॉइंट मेरे को थोड़ा बेकार लगा और मैंने वीडियो में बता ही रखा कि उसको आशीष चंचलानी वगैरह को नहीं लेना चाहिए था। तेरे नाम से अंकिता सी के चैनल पर रेड चल रही, नाइस, क्यों क्यों साइबर बुलिंग बहन के तोड़ो, नहीं बंद करो, भीम की शक्ति धूम मचाए जनरल ओबीसी माच होता है, नाइस यार बी आर अम्बेडकर लव यू भाई यार, तेरे कंटेंट से ज़्यादा फ्लो बदले मैंने इस बीट पे, मैं क्या करूँ जॉब छोड़ दूँ, वे देख नाइस नाइस, डिस्कवरिंग समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, रिशू एंड कैरी प्लेस टुगेदर, डाउनलोड कैसे कर डाउन बैड की चूत, नाइस यार नाइस भाई, तमा को रोस्ट कर लाना भाई, फ्रैंक कॉल वशीकरण मंत्र फॉर लव सक्सेस, अच्छा इस पे बाद में आते हैं, पिताजी दीदी का नाम पेरिस क्यों है, क्योंकि तेरी माँ को पेरिस जाना बहुत पसंद है, धन्यवाद पिताजी, नो प्रॉब्लम, कोठा नंबर 64 नाइस, मेरी बूम अगेन, अरे पूजा भी अब वैसी स्ट्राइक का मारी थी, पूजा को और ले लिया तुमने, छोड़ो फीलिंग प्राउड इंडियन, नाइस यार, निवास आफ्टर चेंजिंग डीपी एंड अपलोडिंग स्टोरीज थिंकिंग दैट सेव द वर्ल्ड सिंगल हैंडेडली, अवेंजर बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड, आओ ऑस्ट्रेलियन ओपन, भाई ऑस्ट्रेलिया के लोग मारी कॉपी कर रहे, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, इन इसका कंटेंट चौकीदार निकालना क्या भाई, रॉजर फेडरर का फरेरो रोशर का कंटेंट चौकीदार फरेरो रोशर, चोर रेपिस्ट रिशु गंडमरा, हम मारेंगे बेटी चौथ को, गरीब एंड गरीब, नाइस बेटा गाड़ी आराम से चला रहा धीरे धीरे, ओके बूमर, मीम्स मीम्स गेटिंग गुड नॉट गोना लाइ, मीम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं रेडिट पे, पोस्ट मोर, आई एम लविंग रेडिट गाइस, रिशु स्पॉटेड, मैं इसके जैसा तो आओ मैं तुमको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ, तुम्हारी बैंड की आओ भाई जाके सारे छपरी अंकिता को रेड कर रहे भी सी, अबे मरन दे मैं, जो ऐसी ऑडियंस है मेरे को संबंध नहीं रखा, जो भी उधर गया है ना उस गांडू से मेरे को पर्सनली संबंध नहीं रखना, माँ चुदान दे ऐसी बंदे मेरी ऑडियंस है ही नहीं, ये गांडू हैं जो गए हैं उधर, यहाँ पे जो बहन जो समझदार हैं वो यहीं पे, उन मादर चौधरी से मेरे को मतलब नहीं, जान दे चूती के बच्चे समझा समझा के मर गए और नहीं समझा सकता, जो करना करो मरो बहन चो जाओ जहाँ जान जाओ माँ चुताओ, आओ अब देखो सेम सुअर नहीं सेम टू ट्विंस, ये ट्विंस किस बहनचो सबसे ज्यादा सेम, चलो ठीक है तुम लोकल बेस्ती मार सकते हो लेकिन ट्विंस मादर चोत अलग लेवल की भेज देती है, ट्विंस किस मादर चोत ने लिखा था बैड चोत दूंगा तुम्हें, ट्विंस किसने लिखा, ट्विंस जिसने लिखा बैड की ट्विंस, आई सी नो डिफरेंस, नाइस यार
रिशु यू बिकेम द वेरी ओन थिंग दैट यू वर सपोज टू डिस्ट्रॉय माय फ्रेंड. नाइस यार भाई, ठीक है भाई, मस हुआ रहा भाई, खुश हो तुम लोग अब, हमारी बेइज्जती हो गई ऑन स्ट्रीम. मजा आया तुमको ट्विंस देख के? हाँ लिखो ट्विंस स्क्रिप्टेड. नाइस यार भाई, मेरी भैंस की लिंडी बैग मरवानी है. अबे यार ये मेरा पीएनजी किसने लिख करा है? अच्छा ये तो सुन चुके. पैंट की चूत, गरीब लोग इनटू लीव ईजीआई. अरे मैच उदाय अनिरुद्ध के बारे में बात करी. नाइस ये पढ़ तो, अभी तो दिखाया तुमको ऑन स्ट्रीम. क्यूट नाइस. हम देखेगा, हम कागज नहीं दिखाएंगे. नाइस. सस्ता क्रेज नाइस. एओ वही ऑस्ट्रेलियन ओपन. कुछ नया है ब्रो आर्मी. तन्मय भट्ट, आशीष चंचलानी, स्काउट. नाइस सब आए हैं भाई. गज्जू भी आया है भाई, गज्जू भी आया है. हाँ एक सेकेंड, अबे सुपर चैट कहाँ गई एक बंदे की? व्हाट द फक, सुपर चैट क्यों दिखी? डैंकी डैंक लौंडा. नाइस थ्री. अरे भाई तुम लोग, मैंने ये देखा था थोड़ा सा, मैं जब रेडिट पे आया था, तुम लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो ना मेरे लिए. भाई मेरे को पक्का पता है ये कुछ होलसम चीज है और मेरे लिए प्यार भेजा किसी ने. There's only one thing to do, three words for you. भैंक की चूत. आखिर आखिर ऑडियंस तो मेरी हो, प्यार कहाँ से सीखोगे? नहीं ये प्यार भावना हमको पता ही नहीं. नहीं रिशु के माँ बाप एनल कर रहे थे रिशु पर, इतना आरामी था कि बहन का लोड़ा ओहम तक पहुंच गया. जब जब ही इतना भड़वा निकला, बहन की चूत. भाई तू बेइज्जती मार रहा है या फिर क्या क्या स्पम पे ऐसे लिख रहा है चूती? इतनी क्या ओवर एक्टिविटी क्यों कर रहा है? ओवा क्यों कर रहा है तू? ओवा, अरे तुम लोगों ने ये पैटर्न नोटिस किया? ओवा, ओवा का मतलब है ओवर एक्टिविटी. भाई ये सेंस बना गया, ये डायलॉग आओ हुआ करता था, फिर ओवा हुआ और फिर ओवर एक्टिविटी बना, और अब मेरे को भी विश्वास होने लगा है धीरे धीरे दैट एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. तो चैट में मैं भी स्क्रिप्टेड लिखूं अपनी. फक स्पॉटिफाई, ऑल माय होम इज लिसन टू बैंड की चूतरी में. बैंड की चूत, द आर्ट, द आर्टिस्ट. नाइस यार. ओके मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, गुड बाय. उफ उफ के गुड नाइट. अरे उफ की स्पेलिंग सीख लो, तो चूतियो तुम लोग. ओ ओ एफ, उफ उफ के जी एन. नाइस, लर्न योर डायलॉग्स प्रॉपरली और तब बात करेंगे. चौकीदार सोया है कि जागा है? अबे चूतियो के क्या फोटोशॉप है, दो रुपए का क्या कर रहे हो? नाइस यार भाई, वो लड़की क्यों बना हुआ है जोनी से? नाइस यार, नॉर्मी मीम. बैंचोत बैंचोत बैंचोत. रिशु इज डिस्क्राइब, रिशु इज यूज टू डिस्क्राइब अ यूजलेस पर्सनैलिटी, समवन हु अपीयर्स टू बी यूजलेस एज अ लूजर. रिशु कैन इज यूज एज अ डेरोगेटरी टर्म एंड इज हाईली इंसल्टिंग. तो रिशु का मतलब वो चवर्ड, सी वर्ड. भाई सुट्टा मार ली उससे. थैंक यू डैड, मेरा पहली बार सबवे. अबे इस चौदू ने एनिमेटेड वीडियो निकाल दी सबवे पे, क्या ही बोलूँ इसको अब मैं, क्या ही बोलूँ मैं. रुको मैं बस एक कीवर्ड लिखूँगा एंड आई एम आउट, आई एम हेड आउट. ऑड ऑड किड आउट, ऑड किड आउट, ऑड किड आउट. कहाँ है वो ऑड किड आउट सबवे? अरे ये तो सिंगर खुल गया सबवे. अरे वो बंद, उस बंदे का नाम क्या था? द फक, अरे उसका नाम क्या है भाई? सबवे ऑड वन आउट, ऑड वन आउट था शायद. हाँ ऑड वन आउट. ओ एनिमेटेड वीडियो वो भी सबवे पे, ये तो मैंने कहीं देखा है. गरीब गरीब भाई यार, ये तो देख रखा है यार कहीं, सबवे पे एनिमेटेड वीडियो. बट आई वुड से कंसेप्ट अलग था, तो इतना भी मैं गांड नहीं मारूंगा. अंकिता टेक्स्टेड यू? नाइस यार भाई मेरी, भाई मेरी ऑन स्ट्रीम. क्यों साइबर बुलिंग करवा रहे हो मेरी बहन चुद? मेरे पे केस बन जाएंगे अंटपंट के. भाई मत करा करो, प्लीज स्टॉप इट, गेट सम हेल्प. इमेजिन डूइंग समथिंग फॉर योर पीपल एंड दे ट्रीट यू एज अ गॉड. दिस पोस्ट वॉज मेड बाय बापू. ओके यार, नॉट अ मीम, जस्ट अ पिक्चर ऑफ टू पीपल जिन्होंने गरीबों की कह के ले ली. ओह शिट, ओह फक, हंसना नहीं था इस पे, तो इस पे वो बोलना होता ना यार. इतनी ऑफेंसिव मीम्स डाला करो और डाला, अच्छा लगता है यार दिल से. अरे यार मत करा करो बहन चो, वैसी आज के कोर्ट कचहरी के केस कम बने हैं, बुरे दिन. हाँ मेरे मुंह पे मुतवा दो ना तुम. अबे कहाँ कहाँ भाई, ये पीएनजी क्यों वायरल हो रही है? आशीष चंचलानी के घर सो रखा हूँ मैं. वरीशु भाई क्या है ये? वाऊ सच के सुअर, सबसे छुपाया सच. अरे बताया ना, वो भी कुछ दिन थे जब हम भी इनकी कंपनी में हुआ करते थे. क्या ही बोलूँ यार, खराब दिन खराब दिन. पिग विद पिग, अबे बंद करो ये, तुम मेरे को सुअर, तुम पे एक ही जोक है ना, मैं सुअर, ठीक है भाई मैं सुअर हूँ, ट्विन. ओके
डैंग अंकिता, अरे मैं टेक्स्ट नहीं देख रहा यार, मेरे को ऑन स्ट्रीम एंग्जाइटी आ जाएगी, मैं पूरा परफॉर्मेंस हक देगा बहनचो बीच में, ऑफ स्ट्रीम देखूंगा, ऑफ स्ट्रीम पक्का, ऑन स्ट्रीम नहीं बहनचो, बहुत एंग्जाइटी होती है यार, तुम लोग नहीं समझ सकते यार, गांड फटता है यार थोड़ा, जो लोग जानते हो ना तुम बहनचो, उनसे गांड फटता है, जो बाहर के होते हैं उनसे नहीं फटता। मालिक दुनिया की बहन की चूत है अपना फेवरेट यूट्यूबर, नाइस। राका के बारे में कुछ कहो, अबे कितना कहूँ, हर स्ट्रीम पे तो कहता हूँ, अब मैं कुछ कहने को बचा ही नहीं यार, इतना तो उसको नहीं पता अपने बारे में जितना मैंने बता दिया। डार्क वेब नाइस। एंड फेडरर, रॉजर फेडरर, अरे एक घंटा हो गया वह उस आईलैंड दिस राइट हेयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अगर तुम लोगों को कुछ बात करनी है, कुछ करना है सो बता दो बहन, चो आखिरी बार बात कर लेते हैं, मतलब आज स्ट्रीम के लिए, मर नहीं रहा हूँ अनलेस और अनटिल ईजीआई का मेरे को सीज एंड डिजिस्ट नहीं आता ईमेल आईडी पे, सीज एंड डिजिस्ट, सीधा सीज एंड डिजिस्ट, पैट की चूत चैनल की, पैट की चूत, लीगल केस, गुड नाइट। कैप्टन एम डे, आई डोंट नो उसने लास्ट अपलोड कब किया था वाउज, और मैं कैमरा ठीक कर लूँ और बोर्ड तो नीचे ना गिर जाए, नहीं तो पर्दा जो छूट गया तो, अरे रुको यार, कॉन्टेंट चौकीदार से बाहर आते हैं, अब थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, ये वर्दी देख के मेरी गांठ फटती है यार, कि कुछ उल्टा नहीं बोलना, अब आ गए ना, हाँ भाई किसकी, हाँ भाई किसकी, बढ़िया सब भाई, सोचो यश के एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं भाई एक दिन तुम्हारे आगे, यश के एक्सपेरिमेंट्स, नॉर्मल इंट्रो, हाँ जी की हाल चाल, बढ़िया सब, मैं मेरा यश का एक्सपेरिमेंट, हाँ भाई किसकी, बढ़िया सब, हाँ भाई किसकी, ऑडियंस नीचे दिख रहे, तेरी रिजू, तेरी कमेंट्स में, तेरी भाई तेरी, अजर के लोड़े, अजर कर लो, नाइस भाई, मेरी भाई, मेरी ऑडियंस की, स्ट्रीम लाइक कर दो फ्रेंड्स, हाँ भाई कर दो यार, तुम्हारा अगर चेक वेक नहीं हो रखा ना, नीचे ब्लू कर देना उस बटन को, दौड़ाओ भाई स्ट्रीम को, ये इस पर काफ़ी नज़रें रही होंगी बहुत चूतियों गवारों की, जिन्होंने सिर्फ कैरी का नाम सुन के डिसलाइक मारा होगा, मैं तुमको बताता हूँ स्ट्रीम पे कौन कौन से लोग होंगे, चार प्रकार मेरे को फिलहाल याद आ रहे हैं, नंबर वन जिन्होंने पूरी स्ट्रीम देखी है, नंबर टू जिन्होंने बीच में से स्ट्रीम ज्वाइन करी है, नंबर थ्री जियो वाले, जिनका मतलब जियो वाले तुम में इन दोनों कैटेगरी में भी थे, बट ये जियो वाले जिन्होंने पूरा दिन एडल्ट सोसाइटी की मीम देख के अपना 1 GB खपा दिया, और इन्होंने बस हल्की सी 144 में पी में लोड हुई, और इन्होंने सिर्फ कैरी मिनाटी सुनकर डिसलाइक कर दिया, और इधर लाइक कर दिया, और कमेंट लाइव चैट में लिख दिया, बोस्टडी वाले इसको प्राइवेट मत करियो चाहे तेरी माँ भी मर जाए, ठीक है, ये लोग तीसरे टाइप के थे। चौथे जिनका भी मैंने स्ट्रीम पे नाम दिया, उनकी स्ट्रीम पे जाके टट्टी करना, वो मेरी ऑडियंस का पार्ट नहीं है, वो बहन के लोड छक्के हैं जो भी गए, और तू भी गया ना चूते, तेरे को भी कह रहा हूँ मैं। वाई नंबर 5, आई डोंट रिमेंबर, नाइस, मेरी भाई मेरी, जय हिंद दोस्तों, नाइस भाई। नंबर 5 जो बाहर के लोग थे जो सिर्फ मसालेबाजी लेने आए थे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, 100K क्लोज बाय द वे, हाउस हैव यू एवर, अंग्रेजी प्रमोशन नहीं, क्या तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं तो इस चैनल पे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, जैसे कि कंटेंट चौकीदार गरीब, कंटेंट चौकीदार बीबीजे, कंटेंट हवलदार, पबजी मोबाइल फुल गाली वर्जन, और इसके लिए तो तुमको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, सबसे नीचे जाओगे ना टंच गालियाँ दे रखी हैं, जाओ बहन चोद अपने स्कूल में जितने भी लौंडे ना सबको दे डालो, ऐसी ऐसी गालियाँ सिखाइए ना, क्या कहते हैं उसको, धनिया विक्रेता, और क्या क्या कहते हैं भाई, मेरे को भी याद नहीं भाई, बहुत टॉक्सिक हुआ करता था भाई। टुमारो मॉर्निंग रीशू रीडिंग ईमेल सिक ऑफ स्ट्रेक, स्ट्राइक होता है भाई वो वैसे, बट ठीक है, स्ट्राइक का ईमेल मैं सुबह पढ़ूंगा या रात को या अभी ऑन स्ट्रीम, पता नहीं यार। अंकिता ने लाइव स्ट्रीम में प्रपोज कर दिया, तुझे वाउस बोल रहे, अबे यार चूतियों क्यों, तुम लोग पता है ना उसको मम्मी बोलता, मैं कुछ कान रहा होगा ना, मम्मी बोलता हूँ उसको, बहन के लोड़ो सब, ऑटो शटडाउन इनिशिएटेड, ऑटो शटडाउन कैंसल्ड, इसकी मम्मी को क्यों याद आ जाता है, छोड़ो यार क्या ही बोलूं तुम लोगों को, एक से एक चूतिए हैं, नाइस यार, हाइड्रा एंड बाय एक्सपोज, आई डोंट केयर, डिलीट मत करना स्ट्रीम भाई, इस पर स्ट्राइक ना आ जाए, मैं बस यही चाहता हूँ, अगर कुछ हुआ मेरे को लगा कि बहनचो थोड़ी सी गांड फटी ना मेरी भी, ऑफ स्ट्रीम बहुत फटती है, ऑन स्ट्रीम तो सब साथ होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि बहनचो यहाँ कोई स्ट्राइक आया लिखा आ जाएगा, दिस वीडियो को स्ट्राइक बाय ईजीआई, तो तुम लोग तुरंत जाके बहनचो उनके घर में घुस के उनके गोटों पे घंटी बांध के और फिर स्ट्राइक हटवा दोगे। ऑफ स्ट्रीम क्या होता है ना, कोई साथ नहीं होता, अकेले इस कमरे में होता हूँ मैं, और तब ना बहुत गांड फटती है, और तब मन करता है स्ट्रीम प्राइवेट करके ना रीशू जोन गेमिंग पे चढ़ा दूँ, तो अगर इस चैनल से स्ट्रीम गायब होती है तो तुम लोगों को रीशू जोन गेमिंग पे दी जाएगी। बट मैं एड्रेस कर लेता हूँ स्ट्राइक वाला सीन, तुम लोग हो कौन भोसड़ी वालों, तुम्हारी एग्जिस्टेंस उस बंदे की वजह से है, कैरी मिनाटी की वजह से, बहनचोद क्या कहते हैं मोदी की वजह से है,
क्योंकि मोदी की क्या कहते हैं, बिल गेट्स की बेटी तुमको इसलिए मिली क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे वहाँ पे मोदी था, तो चूतियों ज्यादा ऐठो मत, उसके लिए मैं लड़ा हूँ उसकी स्ट्राइक के लिए जब उसकी 3 स्ट्राइक आई थी 70,000 रुपये, ना कि तुम भैंचो पता नहीं किसी अपने ठेले पे भैंचो टमाटर वमाटर बेच रहे थे भोसड़ी वालों, जब बड़ा हो गया तब आ गए उसका ब्लंट चाटने, मैंने उसको सपोर्ट, हमने उसको सपोर्ट किया शुरू से, तो स्ट्राइक तुम क्या मारोगे, मां चुदाओ जाके, ऐसी गांठ तोड़ दूंगा ना भैंचो, पता भी नहीं चलेगा कहाँ के सूट टाई लगा के आए थे और भैंचो फटे हुए कपड़े लेके जा रहे हो, चूतिए कहेंगे। सर बिग फैन भाई मेरी एफ 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 नाइस भाई, देखना गया वाओ, एक भी मैसेज नहीं करा उसने, नाइस। कंटेंट चौकीदार हिंट, अरे वीडियो आएगी कंटेंट चौकीदार इन प्रोसेस, वीडियो इन प्रोसेस, वीडियो मैं इस हफ्ते निकाल दूंगा और कंटेंट चौकीदार 31 तारीख को निकाल दूंगा, डेट मैं बता देता हूँ 31 तारीख। रिशु भाई आई नीड 646 मोर सब, प्लीज शेयर माई चैनल। वाय जिसका नाम ले लेता है तू बंदे रेड कर देते हैं, वाय उफ उफ वाय वाय। तो मैं बता देता हूँ 31 को आ रहा है कॉन्टेंट चौकीदार, एंड उससे पहले एक वीडियो आएगी उसमें मैं हिंट दे दूंगा कि किस पे है। ओके आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट है किसी को तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लीजिए, नाइस। यह हुई मर्दों वाली बात, ठीक है अब सबका डाउट क्लियर हो चुका है, आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही। अरे हैंड के रोड सुपर चैट रुको ना, गुड नाइट भाई ये मेरा फर्स्ट सुपर चैट है, अरे गुड नाइट यार, सो जाओ यार सो जाओ, लेकिन अभी रुको, अब मैं तुमको बताता हूँ स्ट्रीम खत्म होने से पहले तुम लोगों को क्या करना है, कॉपी दिस स्ट्रीम्स लिंक। पुलिस वाले की तरह बात करता हूँ पहले, फिर तुमको इजी वे में समझाऊंगा, क्योंकि चूतियों को पहले दो तरीके से समझ आता है, चूतियों को एक बारी में समझ नहीं आता। भाई तू अपनी ऑडियंस को गाली क्यों देता है यार, भूसड़ी वाले दोस्तों की फीलिंग आती है, जो क्या कहते हैं ब्रो वाओ ऐसे नहीं बोलता हूँ, दोस्तों वाली फीलिंग आती है, भाइयों वाली। और ये गाइस यार मेरे 80K हो गए यार, आप लोग यहाँ आके मेरे चूचे पे पप्पी दे दोगे, ये बहन के लोग छक्के होते हैं, मेरे को नहीं बनना हो तो भाइयों बहन जो भाइयों की तरह रहो ना, और ये भी इतना भी भाई मत बनो कि सीधा इंस्टाग्राम डीएम पे आके सुअर ही लिखो डायरेक्ट, सिर्फ सुअर, सिर्फ ओ कुछ सुअर, मेरे को बैठ चुदित के 100 DM आते हैं सुअर के, स्टॉप इट गेट्स अवेल, कैसा है वो भूल तो नहीं गया भाई आप कौन हो, नाइस कैरी भाई बिग फैन शाउट आउट दे दो, नाइस यार मेरी भाई मेरी भाई 80 subs में 4,000 वॉचिंग, 144K subs में 200 वॉचिंग, नाइस। मेरे को नहीं पता तू किसको टारगेट कर रहा है, बट आई कैन कन्फर्म कि ऐसे ही काम करता है यूट्यूब, मतलब पता नहीं बेंचो मेरे चैनल पे भगवान की कौन सी कृपा, निर्मल बाबा ने बेंचो दारू पिलाई थी मेरे चैनल को, अब एक तो वो कौन था यार मैं बचपन में देखता था, हाँ क्या मैं जो बीवी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, दारू पीते हो, हाँ बाबा जी अब तो मत पिया करो, अरे गलती से निकल गया, नहीं पीता हूँ गलती से, टंग स्लिप ऑफ टंग हो गया, हाँ तो पिया करो ना चूतिए के बच्चे, ये लेकिन फिशर ले अब फिर मर सेगी, अबे कौन तो यो मेरी भाई मेरी। हाँ तो आगे चलते हैं, मैं क्या कह रहा था, अब तुम लोगों का क्या करना है, स्ट्रीम एंड होने से पहले इस वीडियो का लिंक को कॉपी करके रखो और कहीं सेफ जगह नोट कर लो, कल सुबह सारे भाई आके ना एक बार चेक कर लेना कि ये वीडियो है या किसने कॉपीराइट, वो लिख दिख जाता है किसने मारा है, आई डोंट आई होप कि कॉपी स्ट्राइक ना है, बट एक बार चेक कर लेना, और तुम्हें दिख जाए तो समझ लेना 3 महीने के लिए चुत गए हैं, और चुत गए हैं फ्रेंड्स। चलो आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, आई होप तुम लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हों, नाउ साइबर बोली द फक आउट ऑफ एवरीवन यू नो इन दिस कम्युनिटी, बाय बाय। और कुछ, अरे रेड, अरे यार स्ट्रीम का वो खराब हो जाएगा, एसेंस पूरा बिगड़ जाएगा, मैंने कम्युनिटी पे पूरी वीडियो बनाई है, सो पूरा बिगड़ जाएगा, मैं किसी को चूती को रेड करूंगा, जो कोई देख रहा होगा ना बंदा उसको, ये जो तू देख रहा है ना रिपीट पे, तेरे को लगेगा कि यार ये रेड करेगा, मैं छोड़ रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता तू छोड़े, तू तब छोड़ जब वीडियो खत्म हो, जो कि अभी हो रही है। सो 10, 9 लास्ट चैट्स पढ़ रहा हूँ, प्रैंक कॉल बैन की चूत, 8, 9 मुंबई कर से मुंबई का निकल रिव्यू, नो रिव्यू, पापा बस मारे का रिव्यू दिया, तो 6, 5, 4 नो रेड, 3, 2, 1 एंड ईजी है।